चॉकलेट खाना बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हमने सुना है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है या शरीर में फैट बढ़ जाता है। वहीं कई शोध में यह खुलासा हो चुका है कि चॉकलेट खाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं और चॉकलेट शरीर के लिए फायदेमंद भी है। और अभी सर्दियों में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर तरह तरह की चॉकलेट से बनी चीज़ें बाजारों में उपलब्ध है और लोग बड़े मज़े से इस ठंड के मौसम में इसका स्वाद ले रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग यह जानते हैं कि कहां से आती है, कैसे आई है यहां तक? तो फिर आइए जानते हैं चॉकलेट की कहानी। मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष। चॉकलेट शब्द के बारे में बहुत से तथ्य हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह शब्द मूल रूप से स्पेनिश भाषा का शब्द है, जबकि और लोगों का कहना है कि चॉकलेट शब्द माया और एजटेक सभ्यताओं की पैदाइश है, जो कि मध्य अमेरिका से संबंध रखती है, क्योंकि एजटेक की भाषा नेहुटल में चॉकलेट शब्द का अर्थ होता है खट्टा या कड़वा। जी हाँ, चॉकलेट जिससे बनती है यानी कि केको या कोको के पेड़, जिनकी खोज 2000 साल पहले अमेरिका के वर्षो वनों में की गई थी। इन पेड़ की फलियों में जो बीज होते थे उनसे चॉकलेट बनाई जाती थी। सबसे पहले चॉकलेट बनाने वाले लोग मैक्सिको और मध्य अमेरिका के थे। वो पेड़ों के फलों की ऊपरी परत को हटाकर उसे कॉर्न मिल्क और मिर्च पाउडर के साथ मिलाकर उसका एक पेय पदार्थ बनाते थे, जो आज की चॉकलेट से बिल्कुल अलग होता था। वो स्वाद में बेहद ही तीखा और कड़वा हुआ करता था। फिर भी मेसो अमेरिकन लोगों का मानना था कि चॉकलेट भगवान का उपहार है और उनकी मान्यता थी कि कोको के पेड़ से मिलने वाला कोकोआ एक स्वर्गीय फल है। आपको शायद जानकर ये हैरानी हो कि उस समय के मैक्सिकन लोग चॉकलेट को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे और चॉकलेट ड्रिंक का व्यापक रूप से शाही भोजों में सेवन किया जाता था। और तो और, सैनिकों को इनाम के रूप में कोको के फल भी दिए जाते थे। अब यहाँ से एक नई चीज सामने आती है कि चॉकलेट शब्द प्राचीन मैक्सिकन लोगों द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि उसका अर्थ मैक्सिकन भाषा में कड़वा होता है। सन 1519 में पहली बार चॉकलेट का सफ़र अमेरिका से निकलकर दूसरे देशों में पहुंचा और उन देशों में पहला देश स्पेन था। स्पेन के एक व्यापारी हेर्नन कॉर्टिस ने सबसे पहले इस फल को स्पेन में घुमाया और जल्द ही यह स्पेन में भी बहुत लोकप्रिय हो गया। स्पेन के राजा को चॉकलेट ड्रिंक इतनी पसंद आई कि उसके पास चॉकलेट ड्रिंक पीने के लिए 50 मग थे। और उस समय में चॉकलेट का उपयोग औषधि यानी कि मेडिसिन के रूप में भी किया जाता था, जो पेट के दर्द जैसी बीमारियों के लिए भी एक प्रभावी उपाय था। बदलते समय के साथ चॉकलेट का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोपीय लोग ने इसे शहद और चीनी मिलाकर इस कड़वे पदार्थ को पीना शुरू कर दिया, जिससे चॉकलेट की लोकप्रियता और मांग और बढ़ गई। लेकिन चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन थी, जिससे बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन 1828 में चॉकलेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, जब डच केमिक्स और चॉकलेट निर्माता वैन हॉटन ने एम्स्टर्डम में एक चॉकलेट प्रेस का आविष्कार कर दिया। यह मशीन कोको फलों से प्रकृति वसा यानी कोकोआ बटर और कोको पाउडर को अलग करती थी। फिर इस कोको पाउडर को अलग अलग चीज़ों में मिलाकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। स्विट्जरलैंड के डैनियल पीटर नाम के एक चॉकलेट निर्माता ने पहली बार इसे दूध में मिलाया और चॉकलेट मिल्क का आविष्कार हुआ, जिसे काफ़ी पसंद भी किया गया। समय बीतता गया और दुनिया भर में चॉकलेट की मांग भी बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करना एक समस्या बनती जा रही थी, क्योंकि चॉकलेट के पेड़ों के लिए अनुकूल तापमान भूमध्य रेखा में आने वाले स्थान पर ही प्राप्त हो सकता था। इनमें मुख्य दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आते थे। इसके कारण चॉकलेट का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में बढ़ने लगा। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि चॉकलेट की खोज भले ही अमेरिका में हुई हो, लेकिन 70% चॉकलेट का उत्पादन अफ्रीका में होता है। बढ़ती मांग के कारण अधिक मजदूरों की आवश्यकता बढ़ने लगी, जिसके कारण अफ्रीका में गुलामी और बाल मजदूरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। कई बार इसका विरोध किया गया और चॉकलेट कंपनियों ने इसे रोकने पर अपील की, लेकिन फिर भी इसे किसी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका। चॉकलेट स्वाद में तो अच्छी ही है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन हमें खुश रखता है। बता दें कि ट्रिप्टोफैन हमारे दिमाग में एंडोर्फिन के लेवल को प्रभावित करता है, जिससे हमें खुशी महसूस करते हैं। इसी के साथ डार्क चॉकलेट को खाकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके हार्ट अटैक के खतरे को भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसके ज्यादा सेवन करने से डायबिटीज का खतरा, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, एसिड रिफ्लक्स, घबराहट और बेचैनी की समस्या जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए इसे एक फिक्स क्वांटिटी में खाइए और इन सर्दियों का मजा लीजिए।
ऐसी और भी यूनिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्वरमय टाइम्स। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।